नमस्कार, मैं हूँ शेषराज और KVS के जोन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज यानी 10 मई का इतिहास लेकर के। 10 मई को इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ द डे इन इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, सम स्पेशल इवेंट्स, बर्थडेज, डेथ एनिवर्सरीज एंड अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो आइए जानते हैं, आज के दिन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन आरंभ हुआ था 10 मई को। आज एक दिन 1994 को दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई थी। आज एक दिन 1999 में पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम की मृत्यु हुई थी। आज एक दिन 2001 में भारत और तजाकिस्तान में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे। और आज एक दिन घाना में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें कई लोग जो है मारे गए थे। और आज के दिन 2005 में लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान आपस में सहमत हुए थे। और आज के दिन 2006 में 1987 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ओस्कर एरियास ने दोबारा कोस्टा रिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। और इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर और नासा के प्रशासक माइकल ग्रिफिन ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के चंद्रयान 1 पर दो अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरण लगाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे आज के दिन 2006 में। और भारत में सऊदी अरब के पहले राजदूत शेख मोहम्मद इब उमान अल मुहलेम का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ था आज के दिन। आज के दिन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थली पर होने वाले भेदभाव पर रिपोर्ट जारी की थी। आज के दिन 2008 में लेबनान में ईरान समर्थित विद्रोही संगठन हिजबुल्ला ने राजधानी बेरूत के मुस्लिम इलाके पर कब्जा करने का दावा किया था। और आइए अब जानते हैं जिन शख्सियत का आज के दिन जन्म हुआ। आज के दिन 1961 में ब्रिजलाल खाबरी 13वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। आज के दिन सुभाष कश्यप भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से सम्मानित 1929 में जन्मे थे। आज के दिन पंकज मलिक बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता 1905 में जन्मे थे। आज के दिन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक 1980 में इनका जन्म हुआ था। और आज के दिन अल्फ्रेड वेब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष और 1834 में जन्मे थे। और आइए जानते हैं आज के दिन जिन शख्सियत का निधन हुआ जो रुखसत हुए। आज के दिन यानी 10 मई को 1936 में मुख्तार अहमद अंसारी एक प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, 1936 में निधन हुआ था। आज के दिन छत्रपति साहू महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी, 1922 में इनका निधन हुआ था। और आज के दिन कैफी आजमी फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर, 2002 में इनका निधन हुआ था। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यानी 10 मई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। और हम हमेशा आपके सामने हर दिन का इतिहास लेकर के आते हैं। और अगर आप मोर वीडियोस, अगर आप हमारे हर दिन के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वर्सेटाइल नॉलेज, जो KVS किड जोन था उसका हमने नाम चेंज कर दिया है वर्सेटाइल एंड नॉलेज, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी स्क्रीन तक हमारा हर वीडियो पहुंच सके और आप इतिहास की घटनाओं से अपडेट रह सकें, ताकि इन चीज़ों का आपका जो आपको फ़ायदा मिल सके। और थैंक यू सो मच KVS किड जोन इस वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे अगले दिन का इतिहास लेकर। तब तक दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, अपडेट रहिए। शुक्रिया।